से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करने जा रहे हैं, आप सभी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। ये प्रार्थना। हरि ओम मा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत के गुरु भगवान बालकृष्ण को नमस्कार करिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री परमात्मने नमः। आनंद कोटि नमस्कारान समर्पयामि। फूलों से अपने ऊपर जल छिड़किए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचिः सर्वं पुनातु सर्वे साधनानि स्थलानि शुचिवत अस्य केशवादित्यत्रिः आचमनम्। ओम महागंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलपात्र को सामने रखिए। हाँ, बाएं हाथ से चम्मच निकाल के राइट में जल लेना है, तीन बार पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः। इति हस्तौ प्रक्षाल्य पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। गंगायै नमः स्वाहा। यमुनायै नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। आनंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। हस्ते कुश पवित्रे धारणम्। इसको अनामिका में धारण करिए। हरि ओम मा पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयम्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम महात्म्य जल लीजिए राइट में। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। नीचे छोड़ दीजिए। पृथ्व्या पृथ्व्यै नमः। थोड़ा अक्षत लीजिए हाथ में। ओम रक्तम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनम् मा पवित्रं कुरुचासनम् मा। आसन के नीचे डाल दीजिए। आधार शक्तये नमः। धराये नमः। पृथ्व्यै नमः। पूर्मासनाये नमः। अनंताये नमो नमः। शिखा बंधनम् मा। ओम पुनः। आपको राइट हैंड अपनी चोटी पे लगाना है और मन में तीन बार गायत्री मंत्र का जप करना है। आप उनका हाथ पकड़े रहिए। ओम मा चिद्रूपिणे महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवे शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यनारायणाय सांगाय सपरिवाराय देवी देवताभ्यो नमो नमः। ओम मा हटा लीजिए। पुनः एक दोना में थोड़ा कुमकुम लेके घोल जल डाली। थोड़ा कुमकुम हाँ ये है ना लाल वाला नंबर दो। हाँ नंबर दो सेकंड। हाँ वो दोना में दोना द्रोण द्रोण में निकाली जल डाली। ओम महा हरि ओम मा स्वस्ति न इंदरो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्वभेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री परमात्मने नमः। मिक्स करिए अनामिका से रिंग फिंगर। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तिखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उनको तिलक लगाइए। ओम महा हरि ओम मा तुति अंगूठ से। स्वस्ति न इंदरो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववे अक्षत लगाइए।
स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। आप इनको लगाइए। ओम महाश्रीश्च दे लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरार्त्रे अक्षत बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यात्म इषन निखाण मुम्मेखाण सर्वलोकम मेखाण। दोनों बालिकाओं को आप लगाइए। ओम श्रीश्च दे लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यात्म इषन निखाण मुम्मेखाण सर्वलोकम मेखाण। प्राणायाम करिए। ओमकार का ध्यान करते हुए लंबा गहरा सांस खींचिए, रुके रहिए, धीरे धीरे छोड़ना है। ओम का ध्यान करिए, अंदर भगवान का हृदय में ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान हमारे मन को निर्मल बनाइए ताकि हमारे पूजन से आप संतुष्ट हों। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिर्सो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम एवं पूरकः कुम्भकः रेचकः इति प्राणायामः। अस्ते कुश जल द्रव्याणि आदाय गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा फूल लीजिए हाथ में, चावल लीजिए, दोनों जन लीजिए। ओम महाश्री परमात्मने नमः। अभी स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है जिसको सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है, ऐसे वेद के मंत्रों का पठन होगा। आप मन में ओम गंग गणपतये नमः इसका जप करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः। सभी देवी देवता इंद्र बृहस्पति विश्ववेदाः वरुण सभी देवी देवता जिस आशीर्वाद से हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, वो आशीर्वाद हमको प्रदान करें। और जहाँ कहीं भी हम रहें हे परमात्मा आपके आशीर्वाद से सर्वत्र हमको सुख और शांति की प्राप्ति हो, ये प्रार्थना आपको भगवान से करनी है। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवामरुतः पृष्णिमातरः शुभय्यावानो विदधे कुजग्मायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गै दुष्टुवांसतनु विर्व्यशेमहि देवहितैः यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनाम् उद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यादि रिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे रतो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु व्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब हाथ जोड़ करके जिस आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो, पुण्य हो, कल्याण की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद हे परमात्मा हे महागणपति आप हमको प्रदान करें। और जितने भी ऋषि हैं, जितने भी तपस्वी जन हैं, वो आप मुझे यजमान को आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि हमारे जीवन के इस जन्म के या कि पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाए और हमारे पुण्य की वृद्धि हो, ये प्रार्थना करनी है। स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं ताम च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः नारदाद्या ऋषिगणाये चान्ये च तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य आशीर्वाद परायणाः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए, नमस्कारोमि। सामने श्री भगवान के पास।
अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि पुनः, हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना है। नमः बोलते हुए ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवता लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, रमा सहित श्री सत्यनारायणाय स्वामिने नमो नमः। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। हाथ को चेंज रखिए। ओम महाश्री परमात्मने नमः। हरि ओम महा चाल फूल लीजिए। अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम महा रखिए, हाथ लगाइए। अब आपको भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है कि हे महागणपति, आप सभी प्रकार के विघ्न का नाश करने वाले हैं, तो हमारे विघ्न को बाधा को दूर करिए और सुख शांति की वृद्धि करिए, दुख का हरण करिए और हमारे पूजन को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करिए। और इसके बाद जो है माता जी से प्रार्थना करनी है, हे भगवती, आप सभी प्रकार का मंगल करने वाली हो, तो हमारे कुल में हमारे खानदान में कभी अमंगल ना हो, हमेशा मंगल होता रहे, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। और उसके बाद फिर भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, सभी प्रकार का लग्न शुभ मुहूर्त तारा का बल हमको प्रदान करिए। जैसे भी भगवान रिज हैं वो मुहूर्त हमको प्रदान करिए। और इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, हम आपको बारम्बार प्रणाम करते हैं, आप हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करिए, ये प्रार्थना करनी है। और फिर पुनः माता ये सरस्वती, भगवान गणपति और भगवान सूर्य सभी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगना है। अब हम पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो जैसे भी हमारा भला हो, जैसे भी हमारा जो मनोइच्छित काम है, जो हमारे मनोवांछित कामना है, जो हमारी मनोकामना है, वो पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद आप सभी हमको प्रदान करिए, ये आपको प्रार्थना करनी है। यही भाव छुपा है, मैं संस्कृत में इसका पाठ करूंगा, आप मन में ओम गण गणपते नमः जप करिए और ये बारंबार प्रार्थना करनी है। ओम सुमुखाश्चैकदन्ताश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते, शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्, अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः, गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽग्रयुगं स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया, येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दना, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयो ब्रूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
नृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषम तमजम नित्यम व्रजामि शरणम हरिम सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयात्रे भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिम् ब्रह्मेशान जनार्दना विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटितमां प्रभा अविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये ओम महासिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि छोड़ दीजिए नमस्करोमि महागणपतये नमो नमः ओम महापुनः हाँ माचित्र लीजिए मिला सामने देखिए वहां भैया आपके सामने माचित्र रखा है पंडित जी रामधर प्रयासी जी नमो राघवाय ये सेल्फी कैमरे में अपोजिट दिखता है ये देखिए यजमान बराबर बैठे हैं जय श्री कृष्ण आपके दर्शन हेतु नमो राघवाय ओम महा जय हे हाँ बराबर ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम महादीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि पुनः हस्ते कुशजल द्रव्याणि आदाय संकल्पः ओम महापुनः प्रणवैः पुरयोत्तोयम् क्रमुकामूलमन्त्रतः सदर्भाचन्दनोपेतम् ताम्रपात्रे स्तु संस्थितम् तिलदण्डुलपुष्पाणि तुलसीदलमुक्षिपेत् पूर्वाभिमुखमाविश्य सङ्कल्पमाचरेत् बुधः ओम श्री ब्रह्मणे नमः पुनः हस्ते द्रव्यदक्षिणानि गृहीत्वा बराबर तीन चम्मच जल डालिए हाँ बोलना है ओम विष्णवे नमः ओम हरि ओम ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अधिशी ब्रह्मणोनि द्वितीय पराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतम युगे कलियुगे कलिपिंटे जम्बुद्वीपे भूर्लोके प्रतिखंडे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्ते के देशे पुण्य प्रदेशे पुण्यक्षेत्र स्थिते गोदावर्याः दक्षिण दिग्भाग अवस्थित मुंबईयाख्य नामक महानगरे तत्र ठाणे जनपदान्तर्गत डोंबिवली उपनगर डोंबिवली में आता ना डोंबिवली उपनगरान्तर्गत गोलावली इत्यस्मिन् ग्राम मध्ये अवस्थित ये क्या बिल्डिंग का ना श्री सद्गुरु अपार्टमेंट इत्यस्मिन् अट्टालिकायां दूसरा मिला ना तीसरा तृतीय खंडोपरि त्रिशत चतुर्थ यजमान गृह क्रमांक है आदि मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां तिथौ यजमानस्य गोत्र उच्चार गोत्र क्या कश्यप कश्यप गोत्रोत उत्पन्न से अपना नाम लीजिए अमुकोहम सपत्नी कोहम अपना नाम लीजिए अमुकी नामनी भार्या सब पुत्री परिवार समन्वितोहम अपना नाम लीजिए अमुकी अमुकी नामनी बालिकाः सकुटुंब सपरिवार सहितः बोलिए मम
आत्मनः आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण पूर्वकम् लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय वित्त धनधान्य सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितः ताप पाप उपशमन अर्थम तथा च आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि वृद्धि अर्थम तथा च चतुर्विध धर्म अर्थ कर्म मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम तथा च विशेषतः नवग्रह नवग्रह अनुकूलता अनुकूलता संसिद्धि संसिद्धि अर्थम अर्थम तथा च त्रिविध त्रिविध कायिक वाचिक वाचिक मासिक मासिक आदिदैविक आदिदैविक आदिभौतिक आदिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक त्रिविध त्रिविध ताप ताप उपशमन उपशमन अर्थम अर्थम तथा च विशेषतः विशेषतः भूत प्रेत पिशाचादि सकल भय पीड़ा उपद्रव निवृत्ति अर्थम भगवान रमा सहित सत्यनारायण स्वामी अस्य कृपा प्रसाद प्रीति अर्थम प्राप्ति अर्थम अद्य अहम् सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणाख्यम कर्मम करिष्ये तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता संतृप्त्यर्थम् आदौ गणेश स्मरणम् मा दिग्रक्षणम् दक्षिणे कालभैरव पूजनम् मा उत्तरे हनुमन्तादि स्मरणम् मा पृथ्वी पूजनम् तथा च मण्डप स्थापितः कुलदेवी संविदः कोटश मात्रिका नवग्रहादि पूजनम् च करिष्ये। सामने छोड़ दीजिए। ओम महायज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्रत्य तथैवेति। जलता सिंचन करिए अपने ऊपर। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद जो यहाँ जो मनोकामना है भगवान के सामने प्रकट करना है। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्रत्य तथैवेति। दूरंगमं ज्योतिघान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु संकल्पित कर्मणः सिद्धया सन्तु। पुनः दिग्रक्षणम् मा जो पीली सरसों दिख रहे हैं ये देखिए सामने पहला नंबर एक नंबर है उठाइए बाएं हाथ पर रखिए। हाँ बाकी सब निकाल लीजिए फिर बाहर उसको राइट से क्लोज करना है। ओम महासगाय भगवान से प्रार्थना करनी है कि दशो दिशा होते हैं भगवान आप हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करिए। कोई भी भूत प्रेत पिशाच कोई भी बुरी शक्तियां अशुभ शक्तियां हमारे जीवन में हम जहां व्यापार करते हैं जहां काम करते हैं नौकरी करते हैं वहां भी हमारे ऊपर प्रवेश न कर पाए आक्रमण न कर पाए ऐसा एक कवच निर्माण करिए और दशो दिशा होते हमेशा हमारी रक्षा करिए। ये प्रार्थना आपको भगवान से करनी है। ओम महा रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवीमिदमहं तं बलगमुत्कीरामि जम्मे निष्ठ्यो जममात्यो निचखाने दमहं तं बलगमुत्कीरामि जम्मे समानोर्जमसमानोर्निचखाने दमहं तं बलगमुत्कीरामि जम्मे सबन्धुर्जमसबन्धुर्निचखाने दमहं तं बलगमुत्कीरामि जम्मे सजातोर्जमसजातोर्निचखाने दमहं तं बलगमुत्कीरामि जम्मे सजातोर्जमसजातोर्निचखानोत्कृत्या किरामि। अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूताः विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाग्नयाः। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभे पूजा कर्म समारभे। थोड़ा थोड़ा निकाल के छोड़ना है।
पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम् गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम् मधुसूदन पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम् तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्याम् तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् अधोनन्तस्तु रक्षतु। थोड़ा निकालिए राइट में, हाँ बाकी नीचे रखिए ना ऐसे। एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। हाँ मायेरी को तीन रपट किया मायेरी को। हाँ रोग दे दोष शत्रुणाम क्षयार्थम मा। हाँ लेफ्ट को लाइन चलो बस पीछे भी देखा था वो देखी। हाँ ओम श्री ब्रह्मणे नमः परमात्मने नमः। जिन जिन महापुरुषों को संदेह हो रहा है कि यजमान उल्टे दिख रहे हैं, तो ये सेल्फी कैमरा है, आगे वाला कैमरा है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो उल्टा दिखाई पड़ता है सभी को। जय श्री कृष्ण। ओम महा बाया पे जा लीजिए। हाँ बाया लेफ्ट में लीजिए। हाँ और अपने नेत्र पे लगाइए। हाँ बराबर लीजिए ना। अनामिका से नेत्र पे लगाइए। नेत्रो दगस्पर्श। हाँ आप भी लगाइए। नेत्रोदकस्पर्श श्री ब्रह्मणे नमः। हाँ लगा दिए। अब फूल लीजिए हाथ में, थोड़ा चावल लेके दक्षिण के स्वामी बाबा काल भैरव को बार बार वंदना विनती करनी है। आप सभी जो लोग देख रहे हैं बार बार भैरव से प्रार्थना करिए कि दक्षिण दिशा से नित्य हमारा और हमारे परिवार की रक्षा करिए। कारण दक्षिणे दानवा प्रोक्ता पिशाचो रग राक्षसा। जितने भी दानव है, प्रेत है, पिशाच है, जो भी बुरी शक्तियां हैं वो दक्षिण से जीवन में प्रवेश करती है। तो हे परमात्मा दक्षिण में आप नित्य हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करिए, ये प्रार्थना आपको करनी है। ठीक है और बोलना है, क्या बोलना है? बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार। इसको जोर जोर बजाओगे तो खाली यही सुनाई पड़ता है। जोर से बजाओ। नहीं आप बजाए ना, आप बोलिए खाली। बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार कंठ खोल के बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना श्री भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना देवराज देव्य मान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ शूद्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगि वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। भैरव प्रार्थना करनी है। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम सम संहार मूर्तिम शिरशिकृत जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृतनख मुखम चोर्दो रेखा कपालम पम 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 पूजा पम 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 पापनाशम प्रणमत शिरसा भैरवम क्षेत्रपालम भैरवाय नमः। उत्तर के स्वामी हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी के बारे में हाथ में लाल फूल लीजिए, चावल लीजिए, हल्दी कुमकुम वाला यही। और हनुमान जी से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज आपकी महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी भी कम है। कारण ये कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका प्रताप है और ये बात प्रसिद्ध है, कोई नई बात नहीं है, ये जगत जानता है। प्रसिद्ध
आप क्या करें, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव, गुरु जी बनकर के आप हम मुझ पे मेरे परिवार पे कृपा। गुरु का काम क्या है? सही मार्गदर्शन देना। हमको पता ही नहीं है, हम इस संसार में आकर ऐसे भटक गए हैं कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो हे हनुमान जी, आप गुरु जी बनकर के हमारे बुद्धि में एक सही मार्गदर्शन प्रदान करिए, सही प्रेरणा प्रदान करिए कि हम जीवन में क्या करें जिससे हमारे जीवन में भगवान हमको प्राप्त हो। भगवान मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। तो कैसे? क्योंकि राम जी से मिलना है। राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, साक्षात परमपिता परमात्मा परब्रह्म वो राम है। और राम को मिलना है तो कैसे मिलेंगे? राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना क्या पैसारे, मतलब प्रवेश। प्रवेश कब मिलेगा? बिना हनुमान जी की आज्ञा के कभी आपको हमको प्रवेश मिलेगा ही नहीं। तो अगर प्रवेश करना है, कहा भगवान के पास जाना है, तो पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। क्यों? हनुमान जी गुरु जी है, वही बताएंगे क्या करना है। तो हनुमान जी की महिमा खूब गाई जाए कम है, खाली ये प्रार्थना करनी है कि कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाही। हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप पूरा नहीं कर सकते? मतलब हनुमान जी आप तो सब काम सिद्ध करते हो ना, आप हमारे कार्य को सिद्ध करिए। कुछ चौपाई पीछे पीछे गाएंगे, कौन सी चौपाई है? रामचरितमानस की और हनुमान चालीसा की। कुछ चौपाइयों को गा करके हनुमान जी से प्रार्थना करना है। क्या बोलना है? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाही, कृपा करूं गुरुदेव की नाही, महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, श्री अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के उल्लंग सिंधो सलिलम सलिलम, यशोकवह्निम जनसात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, श्री अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। ओम अंजनी नंदनाय नमो नमः, रामदूताय नमो नमः, अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नवग्रह के पास छोड़ दीजिए हम हनुमतये, नमो नमः। और क्या बोलना है हनुमान जी का? हाथ पे लाल फूल लीजिए, ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी को पुकारना है, क्या प्रार्थना करनी है? एक बहुत सुंदर भजन है, ये बोलना है क्या? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार,
पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हार, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान जी की कृपा कब मिलेगी? जब आप हम निरंतर हनुमान जी का पूजन भजन करेंगे। इसलिए जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। क्यों विनती करनी है? काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचारो कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमत नमो नमः सकलोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। ओम महा पुनः कलश नीचे अक्षत रखिए, अक्षत पुंजोपरि कलशम संस्थाप्य रखे, हाथ में अक्षत लेना है और भगवान वरुण का आवाहन करना है। देखिए जल के स्वामी वरुण है, कोई भी पूजन यदि आप हम करें तो उसमें वरुण जी की कृपा प्राप्त हो, इसलिए क्या करना है, वरुण जी को उनका आवाहन करना है कि आप यहाँ चाहिए किसके, तो सांगह अस परिवार, अपने परिवार के साथ अपने अंगों के साथ यहाँ पर आएगी, ताकि हमारा पूजन पूर्ण हो और हमारे पर कृपा बरसेगी तो मौर श्रद्धा के भगवान की सेवा करेंगे, ये प्रार्थना करें। हरे ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्शंसमान आयुः प्रमोखीः। सर्वे समुद्राः, कौन कौन है उनके अंग और परिवार में, वरुण जी का परिवार क्या, सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदा, मतलब सभी समुद्र, सर्वे समुद्रा सरिता, सरिता मतलब सभी नदियाँ है ना, और तीर्थानि जलदानदा, सभी तीर्थों का जल, और क्या करना है, आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम, पूजा को पवित्र करने के लिए, हम सबको पवित्र करने के लिए जल में आप लोग बधाइए। आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम, छोड़ दीजिए भूर्भुवस्व, हाँ छोड़िए, अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि, प्रतिष्ठा करनी है, अक्षत लीजिए। हरि ओम मनोजो त्रिजुखदामा जित्य बृहत्पतिर्यज्ञामि मन्तनो वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो, प्रतिष्ठा। प्रीति घर पे और ना पहले आप उनसे कर देते थे नीचे, उधर भी वो भी उनको भी बोलते हैं, उनको बोलिए पूजन है आपको पधारिए,
यहाँ दावड़ी कहाँ गोलोनी में भैया पूजन है, आप सभी पधारिए, इनकी ओर से आमंत्रण है। जय श्री कृष्ण। एड्रेस आपको तब बताएंगे जब आप लोग वास्तव में एड्रेस पूछोगे। जय श्री कृष्ण। ओम महा सुपृष्टो वरदो भवता। ओम महा चारों वेद का पूजन करना है। देखिए कुंभ लेके भैया, कुंभ लेके वहां पे जहाँ बोलूंगा पूर्वे, पूर्व किधर है, इधर बर, उसके बाद दक्षिण किधर है, इधर, मतलब उधर इधर 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 कुंभ लगाना है आपको, अक्षर लगाना है कलश के ऊपर, ये कलश के मुख पे ऊपर 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 लगाने का विचार, हाँ समझ गया। चलो आप बोलेंगे पूजा है, ओम महा पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ऋग्वेदम हाँ ऐसे बराबर, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, यजुर्वेदम पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः, सामवेदम, ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, अथर्ववेदम, मध्ये अपाम्बतये बम वरुणाय नमः, वरुणम पूजयामि। ऐसे देखिए अनामिका है ना, अनामिका, अनामिका से कलश पर से स्पर्श करिए, हाँ और क्या करना है, इसमें आपको बुलाना है कलश मुखे, विष्णु मुख में, विष्णु ब्रह्मा, विष्णु महेश है ना, सभी मात्रा, सभी मातृकाएं, जितनी माताएं हैं ऋग्वेद यजुर्वेद चारों वेद, सबका आह्वान करना है कि आप लोग आइए कलश में पधारिए, हमारे पूजन को परिपूर्ण करिए। ठीक है, ओम महा कलश मुखे विष्णु गंत्रे रुद्र समाश्रिताः, मूले तु स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृणास्पदाः, कुक्षौ तु सागरापर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यतर्वणः, अंगजतां सर्वे कलशं तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्करी तथा आयान्दुदेव पूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदाः, आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। अनामिका दिख रहा है, ये मध्यमा, इसको ऐसे ऊपर तीन बार घुमाना है और भगवान सूर्य से प्रार्थना करनी है कि प्रभु समस्त तीर्थों का जल हमको जल में प्रदान करिए, तीन बार घुमा के उंगली को जल में डाला है। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे, तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। ओम श्री परमात्मने नमः। फूल ले लीजिए हाथ में, प्रार्थना कर लीजिए, आप लोग आए धन्यवाद है ना, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय, सुश्वेतहाराय, सुमंगलाय, सुपार्श्वस्थाय, जकाशनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, अभां पदे वर्णव वम वरुणाय, सांगाय, सपरिवाराय, देवी देवताभ्यो नमः। छोड़े अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो वरदो भव। चम्मच निकाली और ये जो बायां हाथ है उसको कलश पे रखना है, दहिना देख लीजिए, दहिना ऊपर रखना है, मछली की तरह हिलाना है, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, समझ गया भैया, करिए मुठवा तो हिलाइए ऐसे, दिख रहा है हाँ, आठ बार करिए, बोलना है वम वरुणाय नमः आठ बार, ओम वम वरुणाय नमः, 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 इत्यनेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्यः हटाई तस्मात् उदकात् उदकम् गृहीत्वा, फूल से हर जगह जल छिड़के सबको पवित्र करिए, आपको मुझको सामग्रियों को सब। ओम महा जुष्मा इंद्रो वृणीत व्रत तूर्जे यूयमिंद्रम वृणिध्वम व्रत तूर्जे प्रोक्षिदास्थ अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षाम्यग्नि यज्ञनीशोमाभ्यां त्वा जुष्टम प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे चुन्दद्वन्द्वेव यज्ञाय यद्धोष्ठुताः पराध्यद्युरिध्रं वस्ताच्छुन्धामि। देव पूजन कालो तु यानि यानि वस्तुने वस्तुनि सौरभाग्यानि पवित्राणि भवन्तु मे, अपवित्र अपवित्र वा द्रवावतांगतो वा यत् परिपुण्डरीका च तपायाभ्यन्तरो शुचिः। गंधाक्षत को लीजिए, गंधा अक्षत पुष्पाणि धृत्वा दीप देवता का ध्यान करना है, लगाइए गंध इसमें, खाली फूल चावल लीजिए, गंधाक्षत पुष्पाणि धृत्वा दीप देवता का ध्यान करना है जब तक पूजन नहीं हो जाता। देखिए कर्म के दो साक्षी होते हैं, एक तो सूर्य नारायण अभी तो चले गए अस्त हो गए, दूसरे साक्षी हैं दीप नारायण, तो दीप देवता से प्रार्थना करें जब तक हमारा पूजन होगा, हे दीप देवता आप यहाँ पे स्थिर रहिए, ये प्रार्थना करें। ओम महाभो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी यवंकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक के पास भैया को दीजिए, छोड़ दीजिए आप, दीजिए उनको, छोड़िए दीपक के पास,
दीपस्थ देवताभ्यो नमः, अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि नमस्करोमि। लाल फूल लेकर के भगवान सूर्य का ध्यान कर लीजिए। ओम मह यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगेनां योगपथानुगम्यं तं सर्वदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। भूर्भुवस्वः सवितारायं नमः सूर्याय नमः सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि छोड़ी पूजयामि। ओम महा भगवान के शंख का ध्यान करना है। हस्ते गंधाक्त पुष्पाणि घृत वाली ये शंख का ध्यान करिए। पांच जन्याय विद्महे पावमान आय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात। शंखस्थ देवताभ्यो नमो नमः। प्रति लीजिए भगवान की घंटिका का ध्यान करिए। घंटिका मतलब भगवान की का वाहन गरुण। इसे जहां जहां घंटी बजती है ना तो गरुण देवता रेडी रेडी होकर तो लक्ष्मी नारायण को लेकर के पधारते। इसलिए हमेशा घर में घंटी बजानी चाहिए। बराबर है ना। ध्यान करना है उनका। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां पूर्वे घंटारवं तस्मात् देवता लादकारकं घंटपिताय गरुणाय नमः। घंटपिताय गरुणाय नमो नमः। सूर्य आनंद कोटि नमस्कारं समर्पयामि। फूल लेकर के प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? कि हे गरुड़ देवता आप लक्ष्मी नारायण को लेकर के यहाँ पधारिए ताकि हमारे पूजन निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और भगवान की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। है ना। ये प्रार्थना करनी है। ओम घंटस्थिताय गरुणाय नमः। श्री विष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या कर्पासनं दोखहरं खगेशं मनोहरं वायु समान वेगम छंदोमयम ज्ञान घन प्रशांतम छंदोमयम ज्ञान घन प्रशांतम। घंटस्थिताय गरुणाय नमो नमः। सामने छोड़िए प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। ओम महा पुनः एकतंत्रेण दिक्पाल देवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि। हाँ जोड़ के नमस्कार करिए। गणगणपतये नमो नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमो नमः। महारुद्राय नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकाय जगदम्बिकाय महादुर्गाय नमो नमः। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। सकलोपचारार्थ गंधार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ये पांच देवता है, पंच देवता, इनको नमस्कार हम नित्य करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए सूत्र है क्या, पांचों देवताओं का पूजन साल भर में होना चाहिए। कौन से देवता? तो एक गणपति, दूसरे भगवान शिव, तीसरी है माता दुर्गा, चौथे हैं भगवान विष्णु और पांचवें हैं सूर्य। इनका पूजन हर गृहस्थ को करना चाहिए, है ना। तो विष्णु पूजन इसलिए इनका, शिव जी का पूजन मतलब अभिषेक श्रावण में, है ना। और माता का पूजन मतलब अष्टमी में हवन पूजन जो हो ये माता की सेवा। सूर्य का पूजन मतलब लोटा में जल, है ना, सूर्य को अर्घ्य देना। तीसरा और कौन है? तो भगवान विष्णु मतलब कोई लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान विष्णु इनका पूजन, या भगवान बालकृष्ण का पूजन, है ना, राम जी का पूजन, यह विष्णु पूजन। और गणपति तो प्रथम पूजनीय है, उनका पूजन, इन पांचों का पूजन होना चाहिए। इनको हमने नमस्कार किया, अब भगवान गणपति को बुलाएंगे यहाँ पर, है ना, एक भजन गाकर बुलाएंगे, फिर कर्मकांड करेंगे पूजा पाठ। गणपति को बुलाने के लिए लक्या लेना है, लाल फूल ले लीजिए और भगवान गणपति का आह्वान करेंगे। ओम मह श्री परमात्मने नमो नमः। भगवान से क्या प्रार्थना करनी? गणेश जी से, मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। पार्वती है माता तुम्हारी, पार्वती है
माता तुम्हारी, हाँ पार्वती है माता तुम्हारी, पार्वती है माता तुम्हारी, महादेव पिता संग आओ, हाँ आओ मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, रिद्धि सिद्धि के साथ रहत है, 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 हाँ लडुआ मोदक सदा चढ़त है, लडुआ मोदक सदा चढ़त है, कैस जम्बू फल खाओ, हाँ कैस जम्बू फल खाओ, आओ आओ गजानन आओ मेरे पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया छोड़े आवाहयामी, हाथ में लीजिए अक्षत फूल लीजिए, भगवान गणेश का ध्यान करिए, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीस्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, माता गौरी का ध्यान करिए, ओम महेमाद्रितनयाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीम गौरीम आवाहयाम्यहम छोड़िए, ओम गणेशामिकाभ्याम नमो नमः आवाहयामि स्थापया, सामने है मूर्ति के मूर्ति मूर्ति, हाँ आवाहयामि स्थापयामि, फिर से फूल लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करिए श्री यंत्र में, ओम मह सरसि जनिलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम, ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपा लय देवी विश्वम, ओम यंत्रस्थ महालक्ष्मी नमो नमः, ध्याये ध्यानम समर्पयामि अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि, ओम अग्रे कुल देवी पूजनम्मा, सबका एक साथ आह्वान करेंगे, बायां पक्ष दीजिए, हाँ लेफ्ट में आप लीजिए, दोनों जन लीजिए, कलश के ऊपर छोड़ते रहिए दो दो चावल, ठीक है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तु स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृनाप्रदाः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यतरुणः अंगैर्सहितां सर्वे कलशं दुःसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षेदार्गाः गंगे च मने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रासरितः तीर्थानि जलदानदाः आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा वः ओम सत्यनारायण पूजार्थम दुरितक्षयकारकाः, यहाँ पे आवाहन करना है सबको, बोलना आवाय में स्थापयामि, ठीक है, ओम गौरी नमः गौरी सोलह उपाय रखा है, सोलह में देवियों का आवाहन करना, ओम पद्माये नमः पद्मा, ओम मेधाये नमः मेधा, ओम सच्चे नमः सचिम, ओम मेधाये नमः मेधा, ओम सावित्री नमः सावित्रीम, ओम विजयाय नमः विजया, ओम जयाय नमः जया, ओम देवसेनाय नमः देवसेनाम, ओम सुधाय नमः सुधा, ओम स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम मातृभ्यो नमः मातृभ्यः, ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृभ्यः, ओम धृत्ये नमः धृतिः, ओम पुष्ट्ये नमः पुष्टिम, ओम तुष्ट्ये नमः तुष्टिम,
ओम कुल देवी देवता भ्यो नमः कुल देवी देवता ओम गंग गणपतये नमः गणपति स्थापयामि वहां पे नवग्रहों का ध्यान आह्वान करना है ठीक है। अब पहले भाग बीच में सूर्य का ध्यान करिए ठीक है। आप भैया नौ फूल ले लीजिए हाँ लिए। ओम महा क्या नितिन भाई अभी फुर्सत में ना अपन इन्होंने कहा कि आप फ्री हो क्या तब पूजा करेंगे फ्री है इसलिए आराम से पूजा करें नहीं तो अभी तक तो पूजा कथा हो गई होती है मार देते है ना। अभी पूजा कभी करो फुर्सत में करो क्या दिन भर पूजा करेंगे दिन भर बिठा लेंगे आपको पूजा करते रहेंगे। चलिए एक फूल लीजिए है ना बीच में भगवान सूर्य का आह्वान करिए अक्षत आप छोड़ना आपको ओम हरि ओम महा चलो ओम जपा गुरुम शंका शंका शपे यम महादुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रदोष दिवाकरम सूर्यं सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि दधिरङ्गदुषारापं चिरोदानं शंभुं नमामि श्रीमं त्वं शंभोर् पुरुषम् ओम महा जन्मते नमः चन्द्रमशम् आवाहयामि स्थापयामि धर्मागि नीचे मंगल का ध्यान करिए है ना। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत अंतर्भवम कुमार प्रति अंतस्थम तो मंगल प्रमाण भौमाय भौमम आवाया स्थापयामि उसको ने बुद्धा ध्यान करी प्रेम को कलिकाशम रूपेण हतमदम तम्यम सम रूपेण तम बुधम प्रमाण बुधा ऊपर ऊपर बुधा का बुधम आवाया में दीपक के पास बुध है बीच में बुध है एक बार शब्द बुधम आवाया में स्थापयामि बुध के नीचे शुक्र का गुरु का ध्यान करी बुध के नीचे बीच में समझ गया उस साइड बीच में ओम देवानाम ऋषीणाम च गुरुम कांचतनिबम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशंतनमामि बृहस्पतिम बृहस्पतिम आवायामि स्थापयामि ऊपर वाले सेंटर में शुक्र का ध्यान करना है हिम कुंदनम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तानां भागवतम ब्रह्मणि पुत्रम आवायामि स्थापयामि सीधा नीचे आगे शनि का ध्यान करिए नीलांजन समापातम रविपुत्रम हिमाग्रजम छायामार्दंड संभूतम तन्नमामि तनेश्रम 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 आवायामि स्थापयामि राइट साइड में राहु का ध्यान करिए अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम तमिकाग्रम संभूतम क्षेत्रपालाय आवाहयामि स्थापयामि ओम मह पुनः तुलसी पत्राणि गृहीत्वा ओम मह तुलसी पत्राणि हस्ते गृहीत्वा नारायण भगवान का ध्यान करना है। ओम आदि देवम जगत कारणम श्रीधरम बोलो पीछे पीछे आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तेशदम मुक्तिदं माधवं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुनाशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशंभजे विष्णवे नमः ओम रमासहित सत्यनारायणाय स्वामिने नमो नमः ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि कुदिजे चढ़ा दीजिए आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि पुनः पुलति पत्राणि हस्ते गृहीत्वा ओम मह पूजा कुदिजे थोड़ा भगवान बालकृष्ण का ध्यान करना ठीक है और कन्हैया को बुलाना है ये कन्हैया आप तो सर्वत्र विराजमान हो तो और भगवान कृष्ण ने कहा ना थोड़ी जो 12 महीने है थोड़ी अब बैठ जाइए 12 महीने में सबसे बढ़िया महीना कौन सा मालूम
कौन सा? श्रावण। श्रावण आप भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। हमें मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण भक्ति जितनी करी जाए उतना ही वो सर्वोत्तम है। तो कन्हैया का ध्यान करना, ये भगवान का सबसे प्रिय महीना जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है ना, तो बाल कृष्ण का ध्यान करना है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटत्यपात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे बाल कृष्णाय नमो नमः। ध्यायामि आवायामि स्थापयामि ओम महा। शालिग्राम भगवान का ध्यान करिए। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम भूर्भुव स्वः शालिग्राम देवता भ्यो नमो। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। भगवान शिव का ध्यान करिए। ओम नमामि समीतान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवाकम भजेहम चिदाकाश माकाशवासम भजे हम सांब सदा शिवाय